सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस। दोस्तों आज फिर आया हूं आप लोग के एक और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और आज का क्वेश्चन है, किसी ने लिखा कि क्यूटिकल और कॉर्टेक्स, कई बार नाम भी याद नहीं होता, इसको कुछ और भी नाम है क्या, किसी और नाम से भी बुला सकते हैं हम लोग। बालों में क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ये तीन लेयर होती हैं, इसको किसी और नाम से भी बुला सकते हैं हम लोग। तो मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं क्यूटिकल की, तो इसको बोलते हैं डोर ऑफ द हेयर। आप बोल सकते हो इसको डोर ऑफ द हेयर, मतलब क्यूटिकल को आप डोर बोल सकते हो, क्योंकि क्यूटिकल्स का दरवाजा खुलता है तभी हम लोग कॉर्टेक्स में जाते हैं। और एज अ हेयर स्टाइलिस्ट हम लोग ज्यादातर काम करते हैं कॉर्टेक्स में, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट। सारे पिगमेंट्स भी हमारे हैं, बॉन्ड्स हैं, फाइबर्स हैं, जितना भी हम लोग ट्रीटमेंट्स भी कर रहे हैं, कलर ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, एनी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं कॉर्टेक्स के अंदर। तो एज अ हेयर स्टाइलिस्ट वी आर वर्किंग मोस्टली ऑन द कॉर्टेक्स। तो ये जो हमारे क्यूटिकल्स हैं, ये है डोर ऑफ द हेयर। डोर खोला और हम लोग कॉर्टेक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो क्यूटिकल को आप बोल सकते हो डोर ऑफ द हेयर। बाकी अगर मैं बात करूं कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स को आप लोग बोल सकते हो हार्ट ऑफ द हेयर। हार्ट ऑफ द हेयर बिल्कुल, क्योंकि यही मेन आपका पार्ट है एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, जहां पे हम लोग काम करते हैं। तो आप उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द हेयर, या उसको बोल सकते हो आप डोर ऑफ द हेयर। तो मुझे लगता है आज भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। बाकी जाने से पहले फिर बोलूंगा, ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कर सकते हो, अगर आपको पता करना है तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करो। बहुत सारे बच्चे बेनिफिट्स उठा रहे हैं, घर बैठे सीखो। आपका सैलून है तब भी करना, अपग्रेड जरूर करो अपने आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है आप लोग को, 3 महीने का कोर्स है, बहुत मजा आ रहा है। बाकी अकेडमीज़ हमारी ऑल ओवर इंडिया की सब खुल चुकी हैं, बहुत सारी नई अकेडमीज़ भी आ चुकी हैं, अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करो। आप जिस सिटी में भी होगे, कोशिश करूँगा आपको उसके पास की अकेडमी का नंबर दूँ, ताकि अगर आप मुंबई नहीं आ सकते तो वहाँ पर ज्वाइन करो। फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है, क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज आ रही हैं सैलून की, एकेडमी, अगर आपको फ्रेंचाइजी भी लेनी हो, क्योंकि हमारी जितने भी सैलून्स की और एकेडमीज की फ्रेंचाइजीज हैं, दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। हमारी सब एकेडमीज भरी हुई हैं, ऑल द एकेडमीज आर फुल विद द स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को अकेडमी की फ्रेंचाइजी लेनी है, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो आपको पता लगेंगे हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी के थ्रू, कि आप वो कैसे कर सकते हो। और मास्टर फ्रेंचाइजी का आप लोगों को पता ही है, विजय हमारी मास्टर फ्रेंचाइजी, बाकी सपना गुप्ता हैं, डैनी, आप बात करो उन लोगों से, आप बात करो, ये लोग आपको गाइड करेंगे कि आप लोग कैसे करने वाले हो। इवन हमारी गाइडेंस अगर मैं बात करूं, हमारी गाइडेंस शुरू हो जाती है स्टार्टिंग से। अगर आपने जगह नहीं भी ली, तो आपको जगह लेने से लेकर के एरिया कितना होना चाहिए, कौन सा आपका टीयर वन में अगर आप कर रहे हो तो कैसी जगह पे करो, टीयर टू में कर रहे हो तो कैसे करो, अंदर कितनी जगह होना चाहिए, काउंसलिंग रूम कहाँ होना चाहिए, शीशे कहाँ लगाने हैं, पढ़ाई कहाँ से करें, इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फ्रेंचाइजीज लेनी है, तो आप बात करो विजय से, सपना से, डैनी से, मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी हमारे अकेडमी में, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में, नहीं तो आप लोग हमारे पार्टनर बनो। अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना और लोगों को हेल्प करना, तभी फोन करो इसी नंबर पे, व्हाट्सएप करो, बात करो और जोड़ो, सेमेंजर्स की फ्रेंचाइजी लो। इसी के साथ आज लेता हूं इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।